Hello everyone, welcome to Pavan Vag Academy, this side Angita, and today we'll be looking into the next part of chapter number 13, Carbon, an important element from standard 9 Maharashtra State Board, right? तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भी आपका कार्बन है, कार्बन के दो फॉर्म्स होते हैं एलोट्रोपिक में. पहला होता है आपका क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म और सेकेंड होता है आपका एमोरफस एलोट्रोपिक फॉर्म. मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये बताया था कि जो भी कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है उसमें टोटल थ्री टाइप्स होते हैं. एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और थर्ड होता है आपका फुलेरिन. तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट को डिस्कस कर लिया था और आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका थर्ड एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज क्रिस्टलाइन, जिसका नाम है आपका फुलेरिन. तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना डिस्कस करते हैं अपने थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज फुलेरिन. चलिए देखते हैं फुलेरिन को. चलिए भाई, तो एक बार हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो भी दे रखा है इन्फॉर्मेशन उसको, कि इसका ऑकरेंस कैसा है, कैसे क्या होता है. तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे पेज नंबर 141 पर. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके थर्ड एलोट्रोपिक कार्बन के फॉर्म को. तो फुलेरिन एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज रेयरली फाउंड इन नेचर. मतलब आपका जो ये वाला फॉर्म है फुलेरिन, ये उतने अबंडेंटली नहीं मिलता. जैसे कि डायमंड बहुत जगह पे आपको मिलेगा, ग्रेफाइट भी बहुत जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन जो फुलेरिन है जो कि आपका थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, वो आपको हर तरफ नहीं मिलता. मतलब ही वो काफ़ी रेयरली फाउंड होता है, ठीक है, हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा. इट इज़ फाउंड इन सूट एंड इन इंटरस्टेलर स्पेस. ये आपको मिलता है सूट, मतलब जो आपका पाउडर्ड फॉर्म होता है ना, पाउडर्ड फॉर्म, उस पाउडर्ड फॉर्म में आपको फुलेरिन मिलता है, ठीक है, एंड इन इंटरस्टेलर स्पेस. याद रखना है कि फुलेरिन आपको पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, मतलब ही आपको वो सूट फॉर्म में मिलता है, ठीक है. तो जो भी आपका सूट होता है, जो भी आपका कार्बन का पाउडर होता है ना, उसके अंदर में आपका फुलेरिन प्रेजेंट होता है. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फुलेरिन इज बल्क मिस्टर फुलेरिन. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि फुलेरिन के तो बाद में बहुत सारे फॉर्म आए, लेकिन फुलेरिन का जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था वो था आपका बक मिंस्टर फुलेरिन. तो इसका मैं नाम एक बार लिख लेती हूँ, आपको याद रखना है. ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फुलेरिन. तो जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है फुलेरिन का, उसका नाम है बक मिंस्टर फुलेरिन. बक मिंस्टर फुलेरिन आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके फुलेरिन का, ठीक है. चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते. दिस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज नेम्ड फुलेरिन आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचर्ड बक मिस्टर फुलेरिन बिकॉज द स्ट्रक्चर C60 रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ जियोडेसिक डोम ही डिजाइन. देखो अब एक्चुअली क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करूँ. ये जो एलोट्रोप है ना, वैसे तो ये फुलेरिन है, वैसे तो इसको फुलेरिन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल जो था फुलेरिन का वो क्या था, बक मिंस्टर फुलेरिन. दिमाग में क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा इसको फुलेरिन ही बोल दिया होता था ना, इसको बक मिंस्टर फुलेरिन क्यों बोल रहे हैं, सीधा सीधा फुलेरिन बोल दिया होता था, काम खत्म. लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बोला जाता है बक मिंस्टर फुलेरिन. तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसको बक मिंस्टर फुलेरिन ही क्यों बोला जाता है. तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था रिचर्ड बक मिंस्टर फुलर, उन्होंने बताया था कार्बन 60 के स्ट्रक्चर को, उन्होंने बताया था फुलेरिन के स्ट्रक्चर को, इसीलिए फिर उसका नाम भी क्या हो गया, बक मिंस्टर फुलेरिन. तो याद रखना कि नाम में ही पूरी कहानी छुपी हुई है. तो फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको किसने बताया, बक मिंस्टर नाम के साइंटिस्ट ने. वैसे तो उनका पूरा नाम है रिचर्ड बक मिंस्टर फुलर, लेकिन एक्चुअली आप बस इतना ही याद रखो कि बक मिस्टर फुलर नाम के साइंटिस्ट ने इस कार्बन के थर्ड एलोट्रोपिक क्रिस्टलाइन फॉर्म को डिजाइन किया था, डिस्कवर किया था, और इसीलिए आप लोग इसको क्या बोलते हो, बक मिस्टर फुलेरिन, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बिकॉज हाँ, हारोल्ड क्राटो, रोबाल्ट कर्ल एंड रिचर्ड स्मेले वेर गिवन द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1996 फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म C60. तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आपका हारोल्ड क्रोटो है, जो भी आपके रोबोट कर्ल है और जो भी आपके रिचर्ड स्मॉली है, इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से ही आपका ये वाला एलोट्रोपिक फॉर्म डिस्कवर हुआ है.
मतलब कोई भी अगर एक डिस्कवरी होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक साइंटिस्ट की वजह से नहीं होती, वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट उस टॉपिक पे वर्क करते हैं, उसकी डिस्कवरी करते हैं, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट से ही वो चीज़ डिस्कवर होती है। कोई एक साइंटिस्ट एक चीज़ को डिस्कवर नहीं कर सकता है, उसके लिए हमको अलग अलग सजेशंस लगते हैं, हेल्प लगती है काम करने के लिए। जैसे आप लोग अगर फोकस करते हो आपके किसी प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम को एक अकेला बंदा या कोई एक अकेली बंदी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है, उसके लिए हम लोग को टीम वर्क लगता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ग्रुप के फॉर्म में हेल्प करते हैं और उसके बाद में ही आपका प्रोग्राम सिस्टमेटिकली होता है। इन द सेम फैशन अगर मैं बात करती हूँ साइंस की, तो साइंस में भी डिस्कवरी कोई एक इंसान नहीं करता है, बहुत सारे लोगों को ग्रुप होता है, वो टीम वर्क करते हैं और उसके बाद में ही कोई चीज़ डिस्कवर होती है। तो यहाँ पे आपके हारोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कल एंड रिचर्ड स्मॉले तीनों ने मिलके काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इस क्लीन के स्ट्रक्चर के लिए। और जब उन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर डिस्कवर किया 1996 में, तो उनको 1996 में ही नोबल प्राइज़ मिला। ठीक है, अब देखो बहुत सारे आपके अदर अदर एग्जाम्पल्स है, तो एक बार हम लोग उनको भी देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि जो भी आपके अदर एग्जाम्पल्स है फुलेरिन के, बाद में वो भी डिस्कवर हुए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फुलेरिन का एक ही एग्जाम्पल है, फुलेरिन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसका नाम क्या था, बकमिंस्टर फुलेरिन। याद रखना है फुलेरिन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका नाम है बकमिंस्टर फुलेरिन। और बाद में फिर बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आए फुलेरिन के, तो चलिए देखते हैं हम लोग। फिर आया आपका C60, ठीक है, C70, C76, C82, C86, ये सारे आपके अदर एग्जाम्पल्स हैं फुलेरिन के, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल था बकमिंस्टर फुलेरिन, लेकिन ये एक ही एग्जाम्पल नहीं है फुलेरिन का, फुलेरिन के और भी एग्जाम्पल्स है, C60, C70, C76, C82, C86। याद रखना है कि यहाँ पे ये जो C है, इस सी का मतलब होता है कार्बन। यहाँ पे ये जो सी है ना, सी ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कार्बन एटम, तो सी स्टैंड्स हियर फॉर कार्बन। ठीक है, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज और यूजेस की, तो अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे पेज नंबर 142 पर। पेज नंबर 142 पर जो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज और यूजेस दे रखे फुलेरिन के, अपन उसको भी डिस्कस करते हैं। ये पूरा थ्योरी पार्ट है, इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कशन के बाद पड़ी हुई चीज़ें जो होती है वो काफ़ी ईजी लगती है। प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलेरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल एंड बकी ट्यूब्स। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका फुलेरिन होता है वो बकी बॉल के फॉर्म में मिलता है। बकी बॉल का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कभी फुटबॉल खेला होगा, तो फुटबॉल का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल के स्ट्रक्चर में वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो फुटबॉल होता है ना, जो काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी जाड़ा होता है ना, तो वो वाला जो फुटबॉल होता है स्पेसिफिकली, जिसने जिसने फुटबॉल खेला है भाई, उसको तो फुलेरिन बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जिसने फुटबॉल नहीं खेला है, वो जिस फुटबॉल के स्ट्रक्चर को अपनी आंखों के सामने लाओ, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फुटबॉल होता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से हेक्सागन और पेंटागन फॉर्म किए हुए होते हैं, तो आपके फुलेरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बकी बॉल के जैसा ही होता है। देर आर 32,900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलेरिन। एक फुलेरिन के सिंगल मॉलिक्यूल में 30 से लेकर 900 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, फुलेरिन के एक सिंगल मॉलिक्यूल में 30 से लेकर 900 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, बकी बॉल, बकी बॉल मतलब ही फुटबॉल। फुलेरिन्स आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। जो भी आपका एक कार्बन का थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म है, जो कि क्रिस्टलाइन है, जिसका नाम है फुलेरिन, उसका स्ट्रक्चर बकी बॉल के जैसा है, उसके एक मॉलिक्यूल में लगभग 30 to 900 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। और तीसरी थिंग ये है कि वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होता है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड। चलिए अब देखते हैं हम लोग यूजेस को कि फुलेरिन के आपके यूजेस क्या क्या है। फुलेरिन आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स, आप उसको इंसुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हो। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होती है कंडक्टर, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, आप उसको कंडक्टर बोलते हो। और एक टॉपिक होता है आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो कंडक्टर का एग्जैक्टली अपोजिट होता है इंसुलेटर।
तो इंसुलेटर मतलब वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। तो जो भी आपका फुलरिन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब ही वो आपका इंसुलेटर है। फुलरिन आर यूज एज कैटलिस्ट इन द वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वाटर को तो डे बाई डे हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन वाटर को यूज़ करने के बाद में आपको वाटर के प्योरिफिकेशन की तरफ भी तो ध्यान देना है। अगर आप इम्प्योर वाटर को यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस हो सकते हैं। तो वी नीड टू डू प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बिफोर ड्रिंकिंग और बिफोर एनी अदर यूज़। तो प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग फुलरिन का यूज़ करते हैं। फुलरिन एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करके रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वाटर की प्योरिफिकेशन में। एट अ सर्टेन टेम्परेचर फुलरिन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। अब देखो क्या होता है, फुलरिन जो होता है वो सुपर कंडक्टिविटी दिखाता है, सुपर कंडक्टिविटी वो शो करता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए एक कंडीशन ये है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एट सर्टेन टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो आपको सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ऐसा नहीं कि कोई भी टेम्परेचर पे अगर आप बात करोगे तो वो सुपर कंडक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि फुलरिन इंसुलेटर है, फिर अभी सुपर कंडक्टर कैसे क्या बन गया। तो रीज़न उसका ये है कि फुलरिन नेचुरली इंसुलेटर होता है, नेचुरली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, एक कोई टेम्परेचर होगा जो कि बहुत ज़्यादा हायर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो होता है उस पर वो आपका जो फुलरिन होता है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। सुपर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी से भी ऊपर, सुपर कंडक्टिविटी, समझे या नहीं समझे। तो फुलरिन जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी से भी ऊपर सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा, एट ए सर्टेन टेम्परेचर वैल्यू फुलरिन ऑल्सो एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, मतलब ही कंडक्टिविटी से भी ऊपर सुपर कंडक्टिविटी, समझे या नहीं समझे भाई, जल्दी जल्दी बताओ सारे के सारे। तो आई होप आपको सभी को समझ में आए कि फुलरिन के क्या क्या यूजेज होते हैं। चलिए अब क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन एलेट्रोप्स तो हो गए, डायमंड भी हो गया था लास्ट वाले क्लास में, ग्रेफाइट भी हो गया था, फुलरिन अभी मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग स्विच करेंगे आपके नेक्स्ट वाले कार्बन के एलेट्रोपिक फॉर्म की तरफ, जो कि है आपके एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। मतलब अभी हम लोग देखने वाले हैं एलेट्रोपिक एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है आपका कोल, वो है आपका चारकोल और वो है आपका कोक। ये तीनों चीज़ों को अपन समझने वाले, ये पोर्शन पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन अपन ये पूरे पार्ट को फिर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि डिस्कशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, वाइल स्टडिंग। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन एलेक्ट्रोपिक और क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन और एमोरफस एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन को। नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो चलिए गाइड डिस्कस करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को। तो उसमें टोटल 3 टाइप्स हैं आपके जो हम लोगों को डिस्कस करना है। उसमें पहला टाइप होता है आपका कोल, सेकेंड टाइप होता है आपका चारकोल और थर्ड टाइप होता है आपका कोक। अभी अपन ये तीनों चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। अब कोल की बात करें तो कोल में और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, चारकोल में भी है और कोक में भी है, तो अपन सबको डिस्कस करते हैं, उनकी पूरी थ्योरी देखेंगे, उनकी यूजेस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं, चलिए भाई। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आपके कोल को। तो सबसे पहले फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग कोल, कि कोल एक्चुअली कैसे क्या होता है, कोल की प्रॉपर्टीज सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन दिस फॉर्म इज नॉट रेगुलर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जैसे कि इसका नाम ही है नॉन क्रिस्टलाइन, पहले एक बार इसको समझ लो, इसका नाम ही है नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन के पहले नॉन आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो
सारे के सारे फॉर्म्स हैं आपके कार्बन के, वो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म दिखाते नहीं है, क्योंकि नाम के सामने में ही आ रहा है नॉन क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं दिखाते. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो होते हैं ये एमॉर्फस फॉर्म भी इनको कहा जाता है, मतलब ये जो आपके कार्बन के फॉर्म हैं कोल, चारकोल और कोक, ये पाउडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आप लोग इनको एमॉर्फस भी बोलते हो, इसलिए आप लोग इनको नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हो. आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि जो भी आपका कोल होता है, चारकोल होता है, कोक होता है, ये तीनों के तीनों नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन एटम के. रीजन इज दैट कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं दिखाते, वो पाउडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो सॉलिडिफाइड पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए आप उसको ठीक है नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं. चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके कोल को. कोल इज ए फॉसिल फ्यूल. कोल एक फॉसिल फ्यूल है. सबसे बड़ा रीजन ये है कोल आपका फॉसिल फ्यूल जो है वो इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइट, फैन, बाकी सारी जगह पे हमारा जो वर्क है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो भाई बहुत ही इनकम्प्लीट है. अगर कभी भी लाइट जाती है तो हमारा जो वर्क है ना वो पूरी तरह से हैम्पर हो जाता है. वी कांट डू एनी वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. यस, तो इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इन टूडेज जनरेशन, इन टूडेज लाइफ. ठीक है, हमारा एक भी वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पॉसिबल टू कम्प्लीट, राइट. तो अब क्या होता है, जो भी आपका, अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि नागपुर में WCL माइंस है, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इन आर प्लेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे माइंस है आपकी भी जगह पे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में तो वॉट एवर आई नो कि नागपुर में आपका WCL माइन है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड. वैसे तो और भी बहुत सारी जगह पर है बट ये मुझे पता है. तो अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो आपका वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है या जो भी आपके कोल की माइन है, कोई भी कोल की माइन कंसिडर करो, वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे आप लोग कोल का एक्सट्रैक्शन करते हो, फिर कोल का एक्सट्रैक्शन होने के बाद में, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जमीन के अंदर जो भी कोल है उसको आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको आप लोग निकालते हो, फिर वो जो कोल होता है वो क्रूड फॉर्म में होता है, आप उसको स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद में आप उसी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हो इन द थर्मल पावर स्टेशंस, है ना. तो आप लोगों ने क्या देखा कि माइंस में कोल को निकाला गया, फिर वो कोल्स की हेल्प से आपने क्या किया, वो कोल की हेल्प से आपने थर्मल पावर स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, है ना. अब जो बात ये है कि कोल जो है वो आपका एक फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल इसलिए है क्योंकि कोल हम लोगों ने नहीं बनाया. कोल जो है वो बरीड प्लांट्स, बरीड एनिमल्स की जो भी डेड बॉडीज थी, वो जब बहुत 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स तक के अगर वो अंडर प्रेशर रहती है तो उसका कन्वर्शन होता है फॉसिल फ्यूल्स में. इसलिए कोल एक फॉसिल फ्यूल है. इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कोल में तीन चीज़ें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. तो कोल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो भी आपका कोल है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इट ऑकर्स इन सॉलिड स्टेट. सबको पता है भाई कोयला जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है. एंड इट इज़ ऑफ फोर टाइप्स. कोयले के टोटल फोर टाइप्स होते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहला फॉर्म है आपका पीट. फॉर्मेशन ऑफ द पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. तो ऐसा तो नहीं भाई कि डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल बरीड हुए और पूरे के पूरे फॉसिल फ्यूल एकदम से कोल में बन गए, ऐसा तो नहीं होता है. कोल के फॉर्मेशन में भाई बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. रीजन ये है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप अगर घर में कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो तो वो चीज़ क्या एकदम से बन जाती है क्या? आपको सपोज कोई डिश बनाना है तो आप ऐसे बोलोगे क्या फटाक से बन जा, ऐसा तो नहीं होता है ना. वो डिश बनने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं. पहले अपन कुछ प्रोसेस करते, फिर कुछ प्रोसेस करते, फिर कुछ प्रोसेस करते, फाइनली वो चीज़ बनती है जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, राइट. तो हियर ऑल्सो द सेम थिंग इज हैपनिंग कि जो भी आपका कोल होता है वो एकदम से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, उसमें आपके फॉर्मेशन होता है पीट का. तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि वो भी फर्स्ट स्टेप होता है. जो भी आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, उसमें आपका पीट फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है उसमें आपका पीट. पीट जो होता है ये कोल का ही एक वैरायटी है जो है आपका फर्स्ट स्टेप. मतलब सबसे पहले धीरे 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 कोयला बनता है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होती है, जब कोयला बनना स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग पीट बोलते हैं. तो वो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म होता है. अब जरा आप लोग ही सोचो भाई, अगर मैं बना रही हूँ लेटेस्ट से सब्जी को, मैं सब्जी को बना रही हूँ तो क्या सब्जी एकदम से बन जाएगी? नहीं. अगर मुझे सब्जी को फ्राई करना है तो सबसे पहले लेटेस्ट से मैंने बैंगन, आलू, गोभी, टमाटर सब कुछ लिया. मुझे मिक्स सब्जी बनानी है. मैंने गैस को चालू किया, ऑयल डाला, उसके अंदर सब्जी डाली. अब मैं वो सब्जी को फ्राई कर रही हूँ.
तो क्या वो एकदम से बन जाएगी? नहीं बनेंगी ना। सबसे पहले वो आपकी जो सब्जी है वो कुक होना स्टार्ट होगी, कंप्लीटली कुक नहीं होगी, कुक होना स्टार्ट होगी। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेप है, जब वो सब्जी कुक होना स्टार्ट हुई, पकना स्टार्ट हुई, वो आपकी फर्स्ट स्टेप थी सब्जी के फॉर्मेशन में। इन द सेम फैशन जब आपका कोल बनना स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप में आपका वहाँ पे पीड बनता है। अब आप लोग ही बताओ भाई, जब सब्जी बनना स्टार्ट होती है गैस पर तो क्या वो सब्जी टेस्टी रहती है? नहीं, क्योंकि वो सब्जी तो कच्ची रहती है, तो क्या वो टेस्टी लगेगी? नहीं। इन द सेम फैशन आपको यहाँ बस इतना ही याद रखना है, जब आप गैस को स्टार्ट करते हो, सब्जी बनाना स्टार्ट करते हो, सब्जी पकना धीरे धीरे स्टार्ट होती है, उस वक्त सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आता क्योंकि वो कच्ची रहती है ना। इन द सेम फैशन जब कोल बनना स्टार्ट होता है, जब कोयला बनना स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट स्टेप जब आपका पीट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे जो होता है उसमें बहुत कम अमाउंट में कार्बन होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 60% ही कार्बन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 60% ही कार्बन रहता है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहला जो चीज़ फॉर्म हो रहा है वो पीट है, जो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 60% ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, अगर मैं सब्जी बना रही हूँ तो पहले स्टेप में सब्जी कच्ची रहेगी, वो खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगी। इन द सेम फैशन पहले स्टेप में जो कोयला बनता है जिसका नाम पीट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 60% ही कार्बन होता है। उसके बाद में इट कंटेन्स अ हाई प्रपोर्शन ऑफ वाटर, और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? वाटर होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें पानी होता है, मतलब कार्बन सिर्फ 60% है और वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। देयरफॉर नॉट मच हीट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पीट, इससे आप ज़्यादा हीट ऑब्टेन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कोयले के ये वाले फॉर्म को, पीट को अगर जलाते हो तो आपको ज़्यादा हीट नहीं मिलेगी। रीज़न ये है क्योंकि आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोयले को जब हम जलाते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और वही हीट से तो भाई ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही है ना। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि अगर आप ये वाले फॉर्म को जलाते हो, पीट को, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 60% कार्बन और पानी बहुत सारा है। मतलब अगर आपने इसको जलाया तो आपको बहुत कम हीट मिलेगी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हीट मिलेंगी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट टाइप को, जिसका नाम है लिग्नाइट। पीट वॉज ट्रांसफॉर्म इंटू लिग्नाइट ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन साइड द अर्थ। मतलब कुछ समय के बाद, धीरे धीरे कुछ समय के बाद, जो आपकी सेकेंड स्टेप होती है, सेकेंड स्टेप, उसमें पीट से क्या बनता है? उसमें पीट से बनता है आपका लिग्नाइट। याद रखना है, पीट फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हो रहा था, कुछ समय के बाद धीरे धीरे अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम पीट गेट्स कन्वर्ट इनटू लिग्नाइट। तो इन द सेकेंड स्टेप यू विल बी सीइंग फॉर्मेशन ऑफ लिग्नाइट। तो सेकेंड स्टेप में आपके लिग्नाइट का फॉर्मेशन होता है। पीट वॉज ट्रांसफॉर्म इंटू लिग्नाइट ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन इन साइड द अर्थ। इट कंटेन्स 70% ऑफ कार्बन, ठीक है, इसके अंदर में, लिग्नाइट के अंदर में 70% कार्बन होता है। मतलब आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया क्या? आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट स्टेप में पीट बना था और पीट में कार्बन सिर्फ 60% था, लेकिन जब फर्स्ट स्टेप से वी मूव टूवर्ड सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में आपका पीट से लिग्नाइट बना। अब जाहिर सी बात है भाई, सेकेंड स्टेप में पीट से लिग्नाइट बन रहा है, तो लिग्नाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यहाँ पे कार्बन सिर्फ 60% था, अब यहाँ पे कार्बन 60 से 70% में इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि लिग्नाइट जो है वो कुछ समय के बाद बना, तो कुछ समय के बाद जब बना तो उसमें कार्बन का जो परसेंटेज था वो इंक्रीज हुआ। चलिए, लिग्नाइट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, मैंने वो पहले लिखा दिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों ने देखा कि थर्ड स्टेप जो होती है उसमें आपका फॉर्म होता है बिटुमिनस कोल। जो भी आपकी थर्ड स्टेप होती है ना, थर्ड स्टेप में फॉर्म होता है आपका बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो होता है वो तीसरी स्टेप में आपका फॉर्म होता है। बिटुमिनस कोल में 70 to 90% कार्बन होता है। हम लोग 70 to 90% कार्बन लिख लेते हैं। 70 to 90% कार्बन होता है आपके बिटुमिनस कोल में। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया, तो फर्स्ट स्टेप में जो पीट बना था उसमें सिर्फ 60% कार्बन था और पानी बहुत सारा था। सेकेंड स्टेप में जो लिग्नाइट बना पीट से कुछ समय के बाद, उसमें 70% कार्बन था, मतलब कार्बन का अमाउंट बढ़ा जैसे जैसे टाइम लगा धीरे धीरे। अब जब थर्ड स्टेप आई तो उसमें आपका बिटुमिनस कोल बना, और बिटुमिनस कोल में कार्बन का परसेंटेज कितना है? 70 to 90%। मतलब आपका जो परसेंटेज था कार्बन का वो और इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व की, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो आपका
लास्ट स्टेप है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, जो आपकी फोर्थ स्टेप होती है, जिसको हम लोग लास्ट स्टेप भी बोलते हैं। फोर्थ स्टेप को हम लोग लास्ट स्टेप भी बोलते हैं। लास्ट स्टेप में आपका फॉर्मेशन होता है एंथ्रासाइट का, और एंथ्रासाइट में 95% ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जैसे आप घर में एक सब्जी बनाते हो, तो सब्जी बनाते वक्त आप वहाँ पे ये देखते हो भाई कि जो भी आपकी सब्जी है ना, वो डायरेक्टली नहीं बनती है, पहले सब्जी पकना स्टार्ट होती है। एक 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 एक, एक, एक बैंगन, आलू, गोभी सब पकना स्टार्ट होते हैं। फिर आप धीरे धीरे, जब वो पकना स्टार्ट हो तो कुछ समय के बाद और अच्छे से पकते हैं, और अच्छे से बेक होते हैं, और अच्छे से कुक होते हैं। लास्ट में आप उसमें ऊपर से मसाले वगैरह डालते हो तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और एट लास्ट सब्जी सबसे टेस्टी बनती है ना। इन द सेम फैशन यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है। याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होता है पीट का, और पीट में सिर्फ और सिर्फ 60% ही कार्बन है। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। तो जितना ज़्यादा आपका कार्बन का परसेंटेज रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी हीट जनरेट होंगी, और जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होंगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, है ना। तो आपको याद रखना है कि पीट में सिर्फ 60% कार्बन है, पानी बहुत ज़्यादा है। अब कार्बन सबसे कम है, मतलब इसमें बहुत अमाउंट, कम अमाउंट में हीट जनरेट होगी। लिग्नाइट की बात करें, पीट के बाद में सेकेंड स्टेप में लिग्नाइट हो रहा है, उसमें 60 से बढ़कर 70% कार्बन हो गया है, 60 से इंक्रीज होकर 70 पे चले गया। अब कार्बन एटम थोड़ा बड़ा, मतलब यहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा हीट जनरेट होंगी, है ना, मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट, यहाँ पे आपकी मॉडरेट अमाउंट में हीट जनरेट होंगी। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते। थर्ड स्टेप में फॉर्म हुआ बिटुमिनस कोल, मतलब लिग्नाइट से आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बिटुमिनस कोल का। बिटुमिनस कोल में 70-90% कार्बन है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कार्बन अच्छा खासा ज़्यादा है। अगर कार्बन का अमाउंट रहेगा ज़्यादा, तो आपकी हीट भी कैसे जनरेट होंगी, हाई। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी हाई हीट, यहाँ पे आपकी हीट जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते। जो भी आपका लास्ट स्टेप है, मतलब जो भी आपका फोर्थ स्टेप है, उसमें फॉर्मेशन होता है आपके एंथ्रासाइट का। तो एंथ्रासाइट में कितना परसेंट कार्बन होता है, 95% कार्बन, और इसके ऊपर और कोई आपका कोल नहीं होता है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल जो है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट तो जो कोल है ना, उसमें तो आपको शाइनिंग दिखती है, शाइनिंग। क्या कभी आपने कोयले में शाइनिंग देखी है? नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जो फॉर्म देखे ना, वो लिग्नाइट देखा है, बिटुमिनस कोल देखा, और पीट देखा है। जो भी आप लोगों ने कोल को देखा है, कभी कोल को देखो, क्या कोल शाइन करता है क्या नहीं करता, क्योंकि आप तो ये वाले फॉर्म को देखते हो। लेकिन आपने अगर एंथ्रासाइट को देखा ना, तो आप वहाँ ये देखोगे कि मैंने देखा है भाई इसको, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैंने देखा है इसको। रीज़न उसका ये है, मेरे एक्चुअली बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी सब्जेक्ट थे, तीन सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में हम लोग बहुत सारे माइंस में जाते थे, बहुत सारे टूर विजिट करते थे, WCL माइंस, बहुत सारे मैंगनीज़ोर माइन, कॉपर माइंस, मध्य प्रदेश वाटरफॉल, जहाँ पे हम लोग को वो रॉक्स मिलते, सेडिमेंट्री रॉक, ग्रेनाइट रॉक, ये सब हम लोगों ने स्टडी किया इन बीएससी, इन माय बीएससी। फिर एमएससी केमिस्ट्री में था, तो उसके बाद इससे पूरा कॉन्टैक्ट हट गया। तो ये जो आपका एंथ्रासाइट है ना, एंथ्रासाइट में तो भाई, एंथ्रासाइट तो इतना प्योर फॉर्म होता है कोल का, क्योंकि उसमें कार्बन कितना प्रेजेंट होता है, 95% कार्बन। तो सबसे प्योर फॉर्म है कोल का, और वो जो कोल है ना, वो तो शाइन करता है भाई, जैसे आसमान में तारे कैसे चमकते हैं ना, वैसे ये कोल जो होता है ना, ये शाइनिंग दिखाता है आपको, शाइनिंग, इतना बढ़िया कोल होता है ये। तो ये होता है आपका एंथ्रासाइट। अब आप ही बताओ भाई, इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है, 95% कार्बन, मतलब यहाँ पे आपकी हाईएस्ट अमाउंट, यहाँ पे आपको क्या बोलूँगी, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ही हीट जनरेट होंगी, क्योंकि इसमें कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मुझे आपसे दो चीज़ें डिस्कस करवाना है। इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया भाई कि जो भी आपका लोएस्ट ग्रेड कोल है, लोएस्ट ग्रेड कोल मतलब सबसे सबसे खराब कोल, सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोल, जिसमें बहुत ही कम हीट मिलती है, वो क्या होता है, वो पीट होता है। लोएस्ट ग्रेड कोल मतलब ऐसे एक ऐसा कोल जिसका उतना कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि उससे हीट भी उतनी नहीं मिलती, तो वो पीट है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना हाईएस्ट ग्रेड कोल की, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में यह आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, NTSC का एग्जाम है, क्योंकि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो है NTSC, उसमें 9th और 10th दोनों आता है, 9th का भी कुछ पार्ट आता है, तो वैसे केस में यहाँ से MCQ आ सकते हैं। तो हाईएस्ट ग्रेड कोल कौन सा है,
हाईएस्ट ग्रेड कोल होता है आपका एंथ्रासाइट। तो याद रखना है एटलीस्ट ये दोनों चीजों को, तो भी आप लोग याद रखो, ठीक है भाई। चलिए ये तो हुआ आपका इतना पार्ट। अब एकदम शॉर्ट में हम लोग चारकोल और कोक को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन ने कोल को डिस्कस कर लिया, अब अपन चारकोल और कोक को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चारकोल में देखो क्या है, चारकोल इज मेड फ्रॉम एनिमल्स, इट्स मेड फ्रॉम देयर बोन्स हॉर्न्स। ऑन द अदर हैंड चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट्स इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ फूड। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया कि जो भी आपका चारकोल है वो आपका सेकेंड नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले तरीका है कि आप एनिमल्स के बोन्स से, एनिमल्स का बोन्स पता है ना, जो भी बोन्स होते हैं एनिमल्स के, मरे हुए जो डेथ एनिमल्स रहते हैं उनके जो भी बोन्स रहते हैं, और जो डेड एनिमल्स रहते हैं उनके जो हॉर्न्स रहते हैं, हॉर्न्स मतलब सिंग है ना, गाय बैल भैंस के सिंग होते हैं, तो वो सिंग की हेल्प से आप लोग चारकोल को बनाते हो। ये तो चारकोल हुआ फ्रॉम एनिमल्स। अब आप चारकोल प्लांट से भी बना सकते हो, जो प्लांट होता है उसमें जो वुड होता है ना, जो आपकी लकड़ी होती है, आप उससे भी चारकोल को बना सकते हो। तो ये हुआ आपका चारकोल, दो वे से बना सकते हो, प्लांट्स और एनिमल्स। चलिए अब हम लोग यूजेज ऑफ कोल देख लेते हैं। कोल्स इज यूज्ड इन एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड होम्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग प्रेस करते हैं, तो बहुत सारे लोग तो इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा रस्ते में कुछ प्रेस की शॉप्स होती है, तो जो प्रेस की शॉप्स होती है वो लोग जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक प्रेस यूज नहीं करते, उनके पास में अलग ही लेवल की प्रेस रहती है, वो उसको ओपन करते हैं, उसमें कोयला डालते हैं, उसको जलाते हैं, और कोयला डाल के उसको जला के फिर वो प्रेस को बंद करके वो उससे प्रेस करते हैं, है ना। तो प्रेस तो हमारे घर में दो टाइप की है, एक वो प्रेस है जो हम लोग घर में करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करते हैं, लेकिन जो बाहर के दुकानदार होते हैं जो रस्ते पे आपको दिखते हैं ना, जिनके अलग अलग शॉप्स होते हैं, वो लोग प्रेस को खोलते हैं, उनके पास अलग ही टाइप की प्रेस होती है, उसमें कोयला डालते हैं, कोल डालते हैं, उसको जलाते हैं। तो कोयल जो होता है उसको हम लोग होम्स में भी यूज करते हैं। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके घर में तो अभी भी गैस नहीं है, तो वो लोग कोयले पे ही खाना बनाते हैं अपना जलाकर। फैक्ट्रीज में भी कोल को यूज किया जाता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, बहुत सारी चीजों को जलाने के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी केमिकल्स को बर्न करने के लिए इसी चीज का यूज किया जाता है। कोल इज यूज टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस एंड कोल टार। कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी मैंने बताया वो। चारकोल इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। जब आप वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हो तो उसमें आपके चारकोल का भी आप लोग यूज करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जिसका नाम है आपका कोक। चलिए डिस्कस करते हैं कोक को। द प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड एज कोक। मतलब कोल, अगर आपने प्योर कोल को लिया और उस कोल में से अगर आप कोल के अंदर जो भी गैस जनरेट होने वाली है अगर उसको रिमूव करते तो जो फॉर्म बनता है उसको आप लोग कोक बोलते हो। यूजेज ऑफ कोक इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, आप उसको डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज करते हो, जैसे घर में कुछ लोग चूल्हे वगैरह पे बनाते हैं वहाँ पे भी आप लोग कोयले को यूज करते हो। आप लोगों ने तो देखा होगा बहुत सारे जो भी होटल्स होते हैं वहाँ पे आज भी ट्रेडिशनल फूड बनाने के लिए वो लोग कोक का यूज करते हैं, कोक को जलाते हैं और उस पर खाना बनाते हैं। कुछ कुछ डिशेज ऐसी रहती है वो कोक में बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं ना, चूल्हे की रोटी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। और इसके अलावा कोक इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है बहुत सारे स्पीसीज को। कोक इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एरीफॉर्म फ्यूल सच एज वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं कंप्लीट, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट वाले क्लास में विल बी स्विचिंग ऑन टू हाइड्रोकार्बन सेक्शन की हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्केन अल्किन अल्काइन। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।